दोनों जहानों का मालिक भी है, जो कुन कह के हर शय का खालिक भी है, उसे जिसके पाबंद शमसो कमर, जो शाफे भी है और राजिक भी है। माशाल्लाह दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तंदुरुस्त होंगे और खैरो आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से और रहमो करम से शाह भाई दोस्तों कल मक्का शहर में एंटर हो चुके थे, और शाह भाई का कल का जो करंट लाइव लोकेशन था वो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का के करीब एक होटल का था। शाह भाई दोस्तों आज मक्का शरीफ की ज़ियारत के लिए रवाना हुए या नहीं हुए, और शाह भाई का आज का जो करंट लाइव लोकेशन है वो क्या है, सब लोकेशन सब जानकारी ए टू जेड आज की वीडियो में आपको जानने को मिलने वाली है। और उसी के हवाले से दोस्तों शाह भाई की बहुत खुशी की अपडेट आई है, वो अपडेट क्या है उसके हवाले से भी आज की वीडियो में बात होगी। तो वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहे, और माशाल्लाह शाह भाई का आज तक का लाइव लोकेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपकी दुआएं हैं वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी हैं। शाह भाई का दोस्तों ये जो मुबारक सफर था, अब वो अपने मक्का शरीफ तक पहुंच चुका है। शाह भाई का जो सपना था, जो ड्रीम था, अब वो मुकम्मल हो चुका है। शाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों कल मक्का शहर में एंटर हो चुके थे, और शाह भाई दोस्तों मक्का शहर में एंटर होने के बाद मक्का के करीब एक होटल में रुके हुए थे। शाह भाई दोस्तों कल अल्हम्दुलिल्लाह होटल में ही अपने दिन को बताया, और आज दोस्तों शाह भाई होटल से जारी हुए या नहीं हुए उसके वाले से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शाह भाई अभी भी उसी होटल में रुके हुए हैं। शाह भाई ने आज अपने इस मुबारक सफर को मक्का शरीफ की तरफ रवाना नहीं करा है। शाह भाई दोस्तों आज या कल में अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शरीफ की जियारत के लिए अपने सफर पर रवाना हो जाएंगे, और माशाल्लाह दोस्तों जब तक शाह भाई के हज का दिन नहीं आ जाता शाह भाई वहीं पर ही रहेंगे और वहाँ की जियारत करेंगे। ये सब दोस्तों आपकी दुआओं के हवाले से हुआ है। आप लोग शाह भाई के हवाले से दिन रात पेरे पेरे दुआएं करते हो कि शाह भाई का ये जो मुबारक सफर है आसानी के साथ मुकम्मल हो जाए, और शाह भाई को अपने सफर में कोई भी दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो अल्लाह ने दोस्तों आपकी दुआओं को कबूल फरमा लिया है, और शाह भाई दोस्तों अपने 2023 के हज में पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा खुश है। शाह भाई दोस्तों सब लोगों के लिए वहां पर बहुत ज्यादा प्यार प्यार दुआएं करेंगे, क्योंकि शाह भाई ने भी दोस्तों खुद बताया था कि शाह भाई जैसे ही मक्का शरीफ में पहुंचेंगे और शाह भाई की जो निगाह है वो मक्का शरीफ पर पड़ेगी, तो शाह भाई सारी उम्मत के लिए पूरी दुनिया के लिए बेइंतहा प्यार प्यार दुआएं करेंगे, और शाह भाई की जो दुआएं हैं ये अल्लाह अपनी बारगाह में जरूर कबूल फरमाएंगे। तो आप लोग बस अल्लाह की बारगाह में ऐसे ही दुआएं करें, और माशाल्लाह दोस्तों अगर आपकी भी हज पर जाने की तमन्ना है तो अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और आपको भी हज पर जाने की तौफीक दे। उसी के हवाले से दोस्तों जो हमारे एक नौशाद भाई हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 2024 के हज के लिए रवाना हो चुके हैं, और वो भी अपने इस मुबारक सफर को रवाना करते हुए आगे को बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों उनके लिए भी पैर पैर दुआएं करें कि उनका ये जो मुबारक सफर है ये भी आसानी के साथ मुकम्मल हो जाए और वो अपने 2024 के हज में मुकम्मल हो जाए। उनके लिए भी दोस्तों आप लोग दिन रात दुआएं करें, क्योंकि दोस्तों वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुबारक सफर पर रवाना है, और वो भी माशाल्लाह बहुत जल्दी 2024 के हज में मुकम्मल हो जाएंगे। उनका जो आज के करंट लाइव लोकेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर से आगे है दोस्तों, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस मुबारक सफर को एक दिन में 30 से 35 किलोमीटर का रवाना कर रहे हैं। ये सब दोस्तों आपकी दुआओं के हवाले से हुआ है, तो आप लोग बस शाह भाई के हवाले से दुआएं करें, इसी के हवाले से दोस्तों शाह भाई का जो हज है वो तंदुरुस्ती के साथ मुकम्मल हो जाए। हम आप लोगों को शाह भाई का और नौशाद भाई का ऐसा ही पूरा पक्का सच्चा लाइव लोकेशन इसी तरह देते रहेंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग कहीं ना जाएं और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं शाह भाई के अगले बिग अपडेट के साथ।